हाय एवरीवन, आप सबके एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन की तिथि वो बढ़ चुकी है। मतलब कि दोस्तों सीजी प्राइवेट जो एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, सीजी बोर्ड में जो अपना प्राइवेट का एग्ज़ाम देते हैं इसको प्राइवेट स्टूडेंट कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स दोस्तों अपने ऑनलाइन आवेदन को अब यहाँ पर दोस्तों सीजी बोर्ड ने बढ़ा दिया है। तो अब स्टूडेंट्स भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन जो फॉर्म होते हैं प्राइवेट स्कूल के लिए दोस्तों, ठीक है, क्लास 10th एंड 12th के लिए स्टूडेंट जो प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं क्लास 10th एंड 12th का, उनके लिए डेट बढ़ा दिया गया है। अब फाइनली बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो डेट कब तक है, और दोस्तों इसमें कुछ आपको कितने पैसे इसमें आपको लेट फीस देने होंगे, और आपके एग्ज़ाम कब होगा प्राइवेट का, मैं सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप रेगुलर वाले स्टूडेंट से एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके जो भी रिलेशन में है जो कि प्राइवेट फॉर्म डालना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बस चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख पाए दोस्तों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं के आवेदन तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट छात्रों के लिए दोस्तों तारीख में यही बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। प्राइवेट विद्यार्थी मतलब कि दोस्तों 27 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म दोस्तों यहाँ पर भर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 1100 रुपये का दोस्तों यहाँ पर विलंबन शुल्क आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मासिम द्वारा दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों आवेदन तिथि बढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। कक्षा 10वीं और 12वीं के जो प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में दोस्तों अब सिर्फ 6000 आवेदन ही आए हैं दोस्तों मासिम के पास में। और कोरोना काल में दोस्तों जो परीक्षा परिणाम में सुधार होने के कारण से दोस्तों प्राइवेट छात्रों की संख्या घटी है, ठीक है। क्योंकि देख क्या हो रहा है, अभी अब जान ही रहे हैं कि कोविड में कैसे कि रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो इस कारण से इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो चुका है। तो मासिम द्वारा दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह में ले ली जाएगी। जैसे कि दोस्तों जैसे ही रेगुलर वाले स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, रेगुलर वाले स्टूडेंट का जैसे ही दोस्तों एग्जाम खत्म होता है उसके बाद जस्ट आपका ओपन स्कूल, सीजी ओपन स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली ये जो आपका टाइम टेबल है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका टाइम टेबल दिसंबर के लास्ट वीक में आपको यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। समय सारणी यहाँ पर देख पा रहे घोषित कर जाएगी, और आपकी जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं दोस्तों वो 10 जनवरी के आसपास आपको पता चल जाएगा। जैसे कि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का है 10 जनवरी के आसपास उनका भी होना है, तो आपका भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट यहाँ पर कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते क्योंकि ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आई है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की, ठीक है, प्रैक्टिकल को लेकर के, ठीक है। सो आपकी जो परीक्षा है वो मार्च के पहले सप्ताह में ली जाएगी, इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा देख लिया, और यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, समय सारणी जल्द हमारे जो कि दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव हैं वीके गोयल जी, उनका यहाँ पर स्टेटमेंट देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएंगी, टाइम टेबल इस माह के अंत तक दोस्तों घोषित कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल बता दिया है, यहाँ पर नियमिति के लिए दोस्तों आवेदन पहले ही कर चुके जा चुके हैं, और मार्च में होगी यहाँ पर एग्जाम। सो प्राइवेट वाले जो शॉर्टकट यहाँ पर फॉर्म में बात करें, तो जो प्राइवेट आपने सुना ही होगा दोस्तों रेगुलर वाले स्टूडेंट ने कि कुछ बोलते हैं कि मैं प्राइवेट में दे रहा हूँ, तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि वो बंदा फॉर्म डालेगा, ठीक है, वो उनका फॉर्म जाएगा, जैसे ओपन स्कूल का होता है सेम थिंग वैसे ही हो रहता है इसका प्रोसेस, और वो खाली एग्ज़ाम हॉल में जा करके अपना एग्ज़ाम देगा ऑफलाइन। और यहाँ पर एक चीज़ भी है कि इस साल दोस्तों ओपन स्कूल और इसके प्राइवेट स्कूल दोनों के जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होंगे, और रेगुलर वालों का भी ऑफलाइन, अगर कोविड के केसेस अगर ऐसे ही कम रहे तो, ठीक है। ये यहाँ पर एक मेजर यहाँ पर फैक्टर बन जाता है, अगर कोविड केसेस कम रहे तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। तो बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करें दोस्तों इस। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। 1100 रुपये आपके दोस्तों विलंबन शुल्क लगेगा, लेट फीस लगेगा, और आप अपना प्राइवेट प्राइवेट के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, ठीक है, क्लास 10th एंड 12th के प्राइवेट के एग्ज़ाम के लिए अपना फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, जितने भी आपके प्राइवेट के अगर फॉर्म डालने की अगर आप सोच रहे हैं, और आपके जितने भी दोस्त हैं या आप फैमिली मेम्बर्स हैं वो सोच रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक शेयर करें, ठीक है। एंड मेरे रेगुलर वाले स्टूडेंट से भी ये सजेशन है दोस्तों कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आई होप सारे टॉपिक्स आपको और सारे पॉइंट्स इस वीडियो को समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चंस को मैंने दोस्तों पूरा कवर करने की कोशिश की जितने आपके माइंड में आ सकें। अगर कोई भी और भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स आपको वहीं देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।